अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं आया हूँ एक गांव, तो उन वहाँ पे बनाया जा रहा था गुड़, तो मैं भी रुक गया। मेरे साथ एक अंकल भी थे, तो उन्होंने भी अपने लिए घर के लिए लेना था, तो मैंने कहा चलो ताज़ा ताज़ा गुड़ ले लेते हैं। सब लोग गुड़ ख़रीदने के लिए आए हुए, तो ये अंकल जो दो बैठे हुए ही गुड़ का जूस निकाल रहे हैं। उसके बाद अभी इन्होंने कढ़ाई में डाला, पका रहे हैं, साथ साथ जो गन्ने का भूस होता है वो उसके अंदर डाल रहे हैं, उसी को जला के आग उसकी मदद से आग जला रहे हैं। और वो दूसरी साइड पे लोग खड़े हैं, गुड़ ख़रीद रहे हैं। तो इन्होंने गुड़ की है कटिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर अब उसके बाद लोग अब ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गन्ने का जूस निकाला, फिर उसके बाद उसको कढ़ाई में रखा, उसको पकाया। जैसे आप देख रहे हैं वो जूस निकाल रहे हैं उधर को। और ये एक भाई है जो साथ साथ इसको कढ़ाई में लाते लाते ये जो इसके अंदर जो ऊपर मैल आ जाती है ना वो निकाल रहे हैं, मतलब जो गंदा होता है। तो अब इसको ऐसे पकाते 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 गाढ़ा हो जाता है, फिर इसको सांचे में डालते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग होती है। तो फिर उसके बाद ये देख रहे हैं जिस तरह के आप लोग ले रहे हैं, एक हिसाब से 140 रुपये किलो ये लोग दे रहे हैं। बाज़ार से 20 रुपये महंगा देते हैं ये लोग गुड़। तो मैं गुजरा था, मैंने कहा चलो मैं भी अपने लिए ले लूँगा। ये देख रहे हैं जैसे कि इन्होंने मैल निकाल रहे हैं उसके ऊपर से, साफ साफ गुड़ देखें ये मैल निकाल रहे हैं। तो और वो एक मालिक जो है वो साथ साथ दे रहे हैं, बेच रहे हैं। के बाद देख रहे हैं जैसे कितने ज़्यादा लोग आए हुए। तो मैंने भी लिया है, मैंने तो सिर्फ आधा किलो लिया था क्योंकि घर में, मैंने कहा चलो ले जाऊँगा साथ। तो और मैंने वीडियो भी बना ली, मैंने कहा आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, एक तरह से छोटा सा व्लॉग ही हो गया ये। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स वगैरह में बताइएगा। तो गुड़ ले लिया, तो अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर। और ये देखें इन्होंने मोटर चलाई भी है ना, इसी के अंदर गुड़ का रस निकाल लें। तो अब हम घर के लिए निकलते हैं, हमने तो ले लिया अपना गुड़। तो मैं अब आ गया हूँ घर वाली साइड पे, फाटक ही बंद हो गया है, अंधेरा भी बहुत हो गया, रात हो गई है। अब ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, जैसे ही ट्रेन आती तो पड़ली साइड पर हमारी सोसाइटी है, फिर उधर जाएँगे। मौसम भी साफ़ है, बादल भी आए हल्के हल्के, ट्रेन कि आप देख रहे हैं। अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ, बाइक अंदर किया, उसके बाद मैंने घर के अंदर एंटर हुआ, तो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जैसी भी बनी है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सपोर्ट करना ना, ताकि फिर इंशाल्लाह ताला मैं आगे से आगे अच्छी से अच्छी वीडियोज़ डालूँ। और बाकी मेरी प्रीवियसली वीडियो जो है वो भी सारी देखिएगा। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे से आगे लोगों को कहना सब्सक्राइब करें। सो अल्लाह हाफिज़।